Good morning, everyone. Welcome to the 9th episode of Joy of Life. And today we have with us an accomplished cricket player and a selector of the women's cricket team of Maharashtra Cricket Association. She is a selector of the senior women's cricket team of Maharashtra Cricket Association, Miss Chanda Rani from Kolhapur. Namaste, madam. Aapka swagat hai hamare show mein. Namaste. आपका स्वागत है. आज हम आपसे बात करेंगे. आप अपने बारे में और आपके जर्नी के बारे में हमें बताएं और ये बताइए कि आपने क्रिकेट का करियर कब शुरू किया था और आपको कैसा ये आइडिया आया कि आपको क्रिकेट खेलना है. एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरे भाइयों के साथ क्रिकेट खेलती थी, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था लेडीज क्रिकेट है. तो हमारे सामने एक क्लब के सर रहने के लिए आए थे, तो उन्होंने देखा कि मैं इतना अच्छी खेलती हूँ, तो इतनी ये लड़की होके भी वो इतने स्टाइल से और इतने स्किल है और इतनी अच्छी खेलती है, तो उनको पता था कि लेडीज क्रिकेट है. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्रिकेट खेलोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ मुझे खेलना है. तो उन्होंने मुझे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, तो उस टीम में मुझे वहां पे भर्ती करा दिया उन्होंने. तो वहां से मेरे क्रिकेट करियर का शुरुआत हुई. और फिर आपने कैसे मैनेज किया, आपका पूरा करियर कैसे मैनेज किया, क्या क्या किया आपने? और वहां से मेरा मैंने जब स्टार्ट किया तो 10 साल की थी मैं. तो वहां से मैंने अंडर 15, अंडर 19 और सीनियर टीम के लिए मेरा खेलना शुरू हो गया. और आपका फिर कहां, किस लेवल तक आपने अचीव किया है आपके क्रिकेटिंग फील्ड में? मैंने नेशनल खेला है, वेस्ट जोन खेला है और इंडिया ए के लिए न्यूजीलैंड ने एक मैच खेली है. और ये मेरा क्रिकेट का करियर मैंने 1988 से मैंने चालू किया था, तो वो 2007 तक मैं पूरा उधर खेली. वेरी नाइस. फिर आपकी पढ़ाई पर ये कोई असर नहीं हुआ? आप इतना खेल रहे थे तो आप महीनों आप ट्रेनिंग के लिए और कैंप में चले जाएंगे, तो आपका एजुकेशन पे ये असर नहीं हुआ कुछ? नहीं, इतना कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि हम जितना खेलते थे उतना हमारा माइंड भी ऐसा था कि जो दिन भर पढ़ाई करते थे उससे हम 1 घंटे में पढ़ाई करके पास होते थे. और एक ऐसा किस्सा भी हो गया कि 10th में थे तो पूरे साल में मैचेस के लिए बाहर गई थी और एग्जाम के 1 महीने पहले में घर आई. तो उसके बाद सब सर मुझे बोल रहे थे अरे वो और एक टूर्नामेंट है वो खेल के आओ और क्या पास नहीं होगी. तो मैंने सोचा नहीं मुझे पास होना है और मुझे एग्जाम देनी. तो मैंने वो पढ़ाई का 1 महीने में पढ़ाई पूरी कर दी और मैं जब मेरा रिजल्ट आया तो सब सर मेरे साथ थे कि क्या हुआ है. तो अच्छा मार्क्स आए थे और अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गई. तो मुझे लगा कि नहीं ये दोनों मैं मैनेज कर सकती हूँ. तो आपने क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके क्या क्या किए आपने? बहुत सारी डिग्रीज की हैं आपने. हाँ मैंने 12th तक मैंने कॉमर्स किया. उसके बाद मुझे लगा कि वो ट्यूशन में अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने वहां से बीए किया ज्योग्राफी में. मेरी ज्योग्राफी में मैंने बीए कंप्लीट किया. उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अभी नौकरी के लिए कुछ तो तैयारी चाहिए. तो उस टाइम मैंने बीपीएड भी किया. बीपीएड करके कोई अच्छी नौकरी में मिल सकती है ऐसे सब बोल रहे थे, लेकिन तब उस सब बोलने लगे कि नहीं मास्टर डिग्री करो. तो मैंने उसके बाद एमए योगा साइंस में किया और उसी दौरान एक कोर्स था, एक 1 ईयर का कोर्स था फिजियोथेरेपी डिप्लोमा. तो मैंने सोचा कि ये मैं क्रिकेट के लिए बेनिफिट है, तो वो भी मैंने उस टाइम किया.
वेरी नाइस, तो आपने इतने सारे डिग्रियां हासिल की हैं, सो हैट्स ऑफ। तो फिर आप महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में आपने बहुत काम किया है, तो हमें जरा बताइए क्या क्या आपने वहाँ अचीव किया है। जब मैं मैंने एक्चुअली मेरा क्रिकेट का करियर खत्म हुआ, तो एक्चुअली मुझे नी इंजरी हो गई, उसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। तो 2009 में मुझे वो कमिटी, वुमेन्स कमिटी मिली है, तो 2 साल मैंने उधर काम किया। 2 साल टीम के लिए क्या क्या बेनिफिट है, उसका उसका परफॉर्म कैसे डेवलप करेंगे, तो उस कमिटी में मैंने काम किया। और वो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मीटिंग और ये बस इतना नहीं, हमें तो ग्राउंड वर्क ही चाहिए। तो मैंने सर से बोला कि नहीं, मुझे कुछ तो ग्राउंड वर्क चाहिए, मैं कोचिंग कुछ भी करूँगी। तो सर ने मुझे फिटनेस ट्रेनिंग के लिए मुझे उन्होंने फिटनेस ट्रेनर की पोस्ट दी। तो 2 साल मैंने U19 के लिए फिटनेस ट्रेनिंग लिया। उसके बाद 2017 में मैंने महाराष्ट्र एसोसिएशन के लिए टीम मैनेजर, U19 की टीम के लिए टीम मैनेजर गई थी, 17, 18 और 19, तो तीनों wow. साल में किया। और उसके बाद अभी 2020 में सीनियर वुमेन्स क्रिकेट की सिलेक्टर की पोस्ट मुझे मिल गई। वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत ग्रेट अचीवमेंट है आपका तो, और आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, तो बहुत खुशी हुई मैडम ये आपका पूरा सुन के। और क्रिकेटिंग का आपने कोचिंग भी किया है, और उसमें भी आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आप कह रहे थे। हाँ, कोचिंग एक्चुअली 2012 में जब उसके बाद मैंने ट्रेनिंग फिटनेस ट्रेनर के बाद हमें ब्रेक दिया गया, तो मुझे लगा कि अब ब्रेक मिला है तो कुछ तो करना है, फाइनेंशियल भी देखना है। तो मैंने एक स्कूल में जॉब किया क्रिकेट कोचिंग का। तो कोचिंग का मुझे इतना पसंद नहीं आया, उनके हिसाब से दो ग्राउंड नहीं मिलते थे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये करना है तो अपनी ही एकेडमी करनी है। तो मैंने उस टाइम 2013 में अपनी एकेडमी चालू की। वहाँ पे पहले मैंने समर कैंप लिया उस टाइम, और उसका बहुत रिस्पांस अच्छा आया। और ये मेरे दो साल तक मेरा एक कोचिंग अच्छा चल रहा था। उसी टाइम मेरे मेरे अंडर जो लड़के थे, तो उन्होंने भी अच्छा अचीव किया। तीन लड़कों मेरे नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हो गए। और उसी टाइम मुझे एक सर मुझे बोले कि अरे, हम इतने बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे इतना नहीं हो पाया, लेकिन तुमने तो 2-3 साल में ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो Very वो nice. बट अच्छा लगा। हाँ, I know. कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। I know. मन, आप बहुत बिजी थे मैम, आप कोचिंग कर रहे थे, इतना गेम्स खेल रहे थे, इसी दौरान इसी के बीच में आपका कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था, तो कैसे आपने हैंडल किया और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? एक्चुअली वो कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो जब मैं ओडिशा मैचेस के लिए गई थी U19, तो उस टाइम महाराष्ट्र एसोसिएशन की मैं वो टीम की टीम मैनेजर थी, और मैं फिटनेस भी लेती थी उस टाइम। तो फिटनेस करते समय मेरा एक्चुअली पेक्टोरियल मसल थोड़ा स्ट्रेच हो गया और उससे पेन होने लगा। तो मैंने वो उस टाइम पेन किलर ली और वो दर्द कम हो गया। तो उसके बाद मैं जब कोल्हापुर आई, तो मैंने इमिजिएटली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मैंने दिखाया कि ये ऐसा पेन हो रहा है। और उसी दौरान लिम्फ नोड की थोड़ा स्वेलिंग था, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसे होता है। और जब मैंने पेन किलर और उन्होंने एंटीबायोटिक दी, तो उससे वो कम हो गया, पूरा निकल गया, वो स्वेलिंग पूरा निकल गया। और 6 महीने तक कुछ भी कोई सिम्टम्स नहीं था, कुछ भी ऐसे नहीं लगा कि मुझे ऐसे कुछ होगा। तो उसके बाद जब हमारा समर कैंप हो गया, समर कैंप के बाद जब जुलाई में महीने में जब हम बाहर गए, गांव को गए थे, तो उधर से आते तो समय वो बहुत हॉट फील हो रहा था। और उसके बाद जो फिर से स्वेलिंग आ गया, और मैंने मैंने इमिजिएटली हमारे डॉक्टर
को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये, और उस टाइम मुझे शोल्डर पेन भी होने लगा, तो डॉक्टर ने बोला कि ये शोल्डर पेन वो इंजरी का नहीं है, तो ये वो लिम्फ नोड का है। तो उन्होंने मुझे सर्जन डॉक्टर डॉक्टर दीवान को उनके पास मुझे भेजा, और वहां पे मैं गई, उनसे बात की, उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कि लिम्फ नोड है और वो स्वेलिंग हम ऐसे नहीं रखते, उसको निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आपके आप जैसे बोले तो ठीक है। तो उसके बाद मेरा सब टेस्ट हो गया, और टेस्ट होने के बाद उसमें टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो मैंने सोचा अभी ये एक नया क्या आ गया है, तो ठीक है अभी 6 महीने तक, डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक टैबलेट लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो सब क्योर हो जाएगा। मेरा भाई, हम दोनों वो रिपोर्ट्स लाने गए थे लैब में। जब मैंने वो रिपोर्ट्स लेके देखा तो मुझे तो वो कैर्सिनोमा सेकेंड ऐसे लिखा था, मुझे पता नहीं था ये क्या है। तो मैंने बोला था कि टीबी का ये पॉजिटिव आया है, तो ये ऐसे ऐसे कैसे रिपोर्ट्स। तो मैंने गूगल पे डाला और देखा तो वो कैंसर का था। तो मेरा भाई ने मुझे पूछा कि क्या है रिपोर्ट क्या है, तो मैंने बोला जो नहीं आना चाहिए वही आ गया। और जब वो मैंने पढ़ा तो उस टाइम मेरे मेरे पाँव की जमीन खिसक गई, मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया इधर। तो उस टाइम मुझे सिर्फ मेरे सामने मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे दो डॉगी, वही मेरे सामने दिखने लगे। मेरा मुझे क्या हुआ है वो तो मैं भूल गई, लेकिन वो उनका ख्याल ज्यादा मुझे आने लगा। उसके बाद हम वो रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर दीवान के पास गए, तो उन्होंने देखा और पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ये क्योर होने वाला है। ऐसे बोला तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है ये क्योर होने वाला है तो ठीक है। तो उनका उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी ट्रीटमेंट 7-8 महीने तक आपको लेनी पड़ेगी। तो उसी टाइम मैंने ये मन में ऐसे बैठा लिया कि नहीं अब क्योर होना होने वाला है और मुझे इस से पूरा बाहर निकलना है, मन में मैंने ठान लिया है। तो मैंने उसके बाद मेरी कजन है, उससे मैंने बात की कि अरे ऐसे ऐसे रिटेक हो गया अभी क्या करें। तो उसने पहले मुझे बोला था कि तू पॉजिटिव है, और दूसरी बात उसने बोली कि तू किसी रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड किसी को मत बताना कि तुझे ये हुआ, क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते, आप ऐसे कुछ बोल के आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, तो उसको तो तू किसी को मत बताना। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो ऐसे सब टेस्ट का, क्योंकि अगले सर्जरी थी तो टेस्ट वगैरह सब हो गया। उसी दौरान मेरी योगा फ्रेंड लता, वो हम एक मिले उस टाइम, तो उसको पता था मेरी बायोप्सी हो गई, तो उसने ऐसे पूछा कि अरे रिपोर्ट क्या है। तो मैंने बोला कि नहीं रिपोर्ट ये ऐसे ऐसे आया है कैंसर रिलेटेड। तो उसके भी मुंह से ऐसे निकला कि अरे ये कुछ नहीं, ये क्योर होता है, ऐसे बोला। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं बाबा ये इतना। तो उसने उसका एक्सपीरियंस बोला कि मेरे बहन को भी हुआ था और वो पूरी क्योर हो गई। और उसी तो मुझे वो एग्जाम्पल था कि नहीं बाबा ये इसकी बहन को हुआ है, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत था। तो हर बार मुझे उनका शेड्यूल शेड्यूल बताते कि वो क्या क्या करती थी। तो उन्होंने बोला कि पहले आप प्राणायाम करो, उसके बाद डाइट पे ध्यान दो, और ऐसा उन्होंने जो बोला। तो उसके बाद मैंने अपना शेड्यूल, पहले तो मेरा था ही वैसा शेड्यूल, सुबह मैं 5:30 बजे उठती थी, उसके बाद वॉकिंग के लिए जाती थी, वॉकिंग करके आते थे, उसके बाद योगा एक्सरसाइज ये मेरा होता था पहले भी। और उसी दौरान मैंने ये शेड्यूल मैंने कंटिन्यू किया, और उसी टाइम जब मैं प्राणायाम नहीं करती थी, लेकिन प्राणायाम मैंने उसी टाइम करना चालू किया, पहले 10 मिनट, उसके बाद बढ़ा के मैंने 1 घंटे तक मैंने वो प्राणायाम मैंने किया। और प्राणायाम करके मुझे इतना अच्छा फील होने लगा,
जो मेरे रिपोर्ट्स आ रहे थे पहले, कि कुछ तो वो एक रिपोर्ट आ गया उसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो अगला रिपोर्ट ऐसे हो रहा था। तो जब मैंने प्राणायाम चालू किया उसके बाद मेरे रिपोर्ट्स इतने अच्छे आने लगे कि उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैंसर नहीं है। मुझे ऐसे डाउट होने लगा कि ये मिस्टेक से मेरा रिपोर्ट ऐसा आ रहा होगा। वेरी नाइस, तो वो मुझे बहुत बेनिफिट मिल गया वो प्राणायाम से। और आपके ये पूरी जर्नी में आपके लोग आपके साथ जिन्होंने आपको मोटिवेट किया था तो वो थे, इसीलिए आपका इतना उन्होंने हौसला बढ़ाया और आप इसको आराम से फेस कर पाए। एक आपके योगा फ्रेंड आपने बोला, उनकी सिस्टर, और कौन-कौन आपको मोटिवेट किए इस जर्नी में? एक्चुअली मुझे डॉक्टर दीवान ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद उनके स्टाफ ने भी मुझे हर बार मोटिवेट करते थे, अभी थोड़ा रह गया ऐसे करके मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और जब मेरी फोर्थ सर्जरी थी तो उसी टाइम मेरे मेरे फ्रेंड अमृता, उसने मुझे बोला कि अरे ये ऐसे डिटेक हो गया तो घबराना मत, और ये तो टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच खेलनी है तुझे। तो उसके माइंड में तो उसको पता था कि मेरे पास पेशेंस बहुत है। तो मैंने नहीं, मुझे करना है, मुझे यहाँ इसमें से बाहर निकलना है। तो उन्होंने मेरे लिए मेरी फोर्थ सर्जरी के लिए बेंगलोर से एक अनन्या पटनायक एक है, उन्होंने मुझे मेरी सर्जरी के लिए पैसे भेज दिए। तो मेरा वो टेंशन भी दूर हो गया और मैं उसी टाइम मुझे और मेरे कमल कमल सावंत है और शुभांगी कुलकर्णी, इन्होंने भी मुझे ऐसे मोटिवेट किया और फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। और उसी टाइम मेरे दो और फ्रेंड वो भावना और कल्पना, वो दोनों तो मुझे इतना फोन करते थे और एक एक घंटा मुझसे बात करते थे, क्योंकि वो कीमो के बाद मुझे थोड़ा सा पेन होता था और माइंड, एक्चुअली पेन नहीं लेकिन माइंड मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था उस टाइम। तो वो मुझसे बातें करके वो पूरा मेरा वो स्ट्रेस वो निकल जाता था। तो उसी टाइम उनकी बहुत हेल्प हो गई मुझे। तो बोला है तो पहले तो मेरे मेरे भाई ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मेरे भाई मेरी बहन और मेरे भांजी, इन्होंने तो मुझे बहुत मोटिवेट हर हर तरफ तरफ की मुझे हेल्प की है उन्होंने। तो वेरी नाइस। हाँ, इसी इसी दौरान आपने फिर पेंटिंग भी चालू किया था, बहुत सालों के बाद आपने पेंटिंग का भी शुरू किया था। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, न्यू ईयर था 2020 का, तो डॉक्टर दीवान जिनके यहाँ मेरे ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था। और मेरे जो ऑपरेशंस हुए उनमें से भी बहुत कंसेशन दिया था। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, डॉक्टर के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो उस टाइम मुझे ऐसे मन में आया कि चलो आप पेंटिंग करते। तो उस टाइम मैंने 7-8 बरस के बाद मैंने हाथ में ब्रश लिया और वो मैंने जो पेंटिंग निकाला तो अच्छा लगा मुझे कि नहीं ये दे सकते हैं। तो मैंने वो डॉक्टर के लिए गिफ्ट देने, तो जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने देखा और बोले कि अच्छी करते हो पेंटिंग। तो उन्होंने वो पेंटिंग का उनको शायद नॉलेज था, तो उन्होंने बोला कि अरे कौन से पेंटिंग यूज किए। तो मैंने बोला कि वाटर कलर है, तो एक्रेलिक कलर आप यूज नहीं करते हो क्या। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि ये एक्रेलिक कलर होता है। तो बस उतना ही मैंने सुना और उसके बाद मैंने वो एक्रेलिक कलर खरीदी और उससे एक दूसरी पेंटिंग मैंने तैयार की और वो इतनी अच्छी थी वो मैंने फेसबुक पे डाली। तो मेरे अमेरिका में फ्रेंड है कल्याणी, वो उसने मुझे फोन करके बोला अरे तू इतनी अच्छी पेंटिंग करते है, तू इसको थोड़ा प्रोफेशनल व्यू से देखो, ये तेरे अच्छे है तो तू सेल कर सकती है। तो
तो और अभी तुम्हारा फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो ये तुम्हारा ही सपोर्ट करेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है वो भाई ये ऐसे बोल रहे हैं, तो पहले तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैं किधर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। तो वो बोले कि खुद को इतना कम मत समझना, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो उसी टाइम से मैंने एक एक करके बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए, और वो पेंटिंग करते समय मेरा मेडिटेशन बहुत होने लगा। वो मैं अपने वो दर्द और वो डिसीज के बारे में पूरा मैं भूल गई उस टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक कितने सुंदर हैं, और आपका इच्छा भी यही है कि इसको आप सेल करके और इसमें से जो आता है अमाउंट, वो जो नीडी लोग हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसको यूज करना चाहते थे। हाँ, क्योंकि कैसा हुआ है ये, मेरे ट्रीटमेंट के दौरान मुझे इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत आया था। तो मैंने सोचा कि मुझे इतना प्रॉब्लम आ गया, तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उनको क्या होता होगा। तो वो मेरे मन में आया, और उसी टाइम मैंने निर्णय कर लिया कि नहीं मैं अब जो पेंटिंग करने वाली हूँ तो उसमें से अमाउंट जो है वो मैं कैंसर पेशेंट के लिए डोनेट करने वाली। वेरी नाइस, वेरी और नाइस, वेरी नोबल। एक काम मेरा तो अभी चालू हो गया है, और ये मुझे पूरे जितने साल हो सके उतने साल मुझे करना है। आपका जो ये इतना एक्सपीरियंस था और आपने जो जो जिंदगी में जो फेस किया है वो सब आप एक बुक भी लिख रहे हैं ऐसा आपने कहा है, तो उसके बारे में जरा हम सबको बताइए। हाँ, एक्चुअली जब मैं ट्रीटमेंट के दौरान मैं जो फेस कर रही हूँ वो ट्रीटमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे इमोशनल और सब, मुझे इतना एक्सपीरियंस वो अलग था। तो मैंने सोचा कि मुझे ये इतना अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है, और मैं इतना सब फेस कर रही हूँ, तो ये सबको पता चलना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट करते समय कितना प्रॉब्लम आता है, कैसे उसको कैसे हैंडल करें, वो फिजिकली भी मेंटली भी और ये सब कैसे हैंडल करें। तो मैंने सोचा, और उस टाइम मुझे बहुत स्ट्रेस भी आया था, तो मैंने सोचा कि ये स्ट्रेस का निकल जाने के लिए कुछ तो करना है। तो मैंने उस टाइम ऐसे सोचा कि ये लिख के पूरा ड्रेन माइंड से पूरा ड्रेन करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छा होगा कि फ्रेश माइंड से हम ये ट्रीटमेंट पूरा होगा। उनको भी पता चलना चाहिए कि कैसे हैंडल करें, और वो खुद जब वो सफर कर रहे हैं उसमें थोड़ा गाइडेंस भी उनको मिलेगा। इसलिए मैंने वो लिखना चालू किया। पॉइंट बोलना था कि वो ट्रीटमेंट के दौरान मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे डिटेक्ट हो गया, मुझे मैंने इतनी जल्दी उसको हैंडल किया है। लेकिन ऐसे बहुत से पेशेंट है उनको पता भी नहीं चलता कि ऐसे हो गया है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी लड़की या अपनी माँ के साथ, बहन के साथ जब जिसके पास जाते हैं, तो उस टाइम वो अपना भी चेकअप करवा ले, क्योंकि बहुत बहुत ब्रेस्ट का ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखता कि हम प्रिकॉशन ले, ऐसे कुछ हम नहीं कर पाते। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। और मैं टाउन के जो लोग हैं उनको तो वो तो उनका कब पता चलता है, जब उसका थर्ड थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज ऐसे होता है उसी टाइम। तो उस टाइम हम ट्रीटमेंट के लिए उनको बहुत तकलीफ होती है। तो वो अवेयरनेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी गायनेकोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट जो है, तो उन्होंने भी आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनको ये सजेस्ट करना चाहिए कि आप आते हो तो ये चेकअप करवाना। मैडम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला आपसे। आप हमारे व्यूअर्स को आज कोई स्पेशल मैसेज या संदेशा देना चाहेंगे इस प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम के थ्रू? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो आप घबराना नहीं है,
क्योंकि कैंसर क्योर होता है, ये थोड़ा मन में आप आपको बिठाना चाहिए। जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रह के, उससे जो प्राणायाम, उसके लिए एक नंबर बेस्ट वो सॉल्यूशन है। प्राणायाम आप करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और कैंसर सेल्स को मारने के लिए इम्यूनिटी तो मस्ट है, तो वो करना चाहिए। क्योंकि प्राणायाम ऐसे हमारे योगा में ऐसे बोलते हैं, प्राणायाम यानी नव संजीवनी, नव जो करते हैं नव संजीवनी वो है, तो वो प्राणायाम करना चाहिए। और आपका जो शेड्यूल है वो आप अच्छी तरह से मेंटेन करें और पॉजिटिव रहें। जितना आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो उतना आपका जल्दी क्योर हो जाएगा। और इसका ये हमारे खेल में ऐसा है, जो जीता वही सिकंदर, वेरी ये नाइस. हाँ। तो पॉजिटिव रह के वो फाइट करना है बस। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा मैसेज दिया मैडम. आज सच्ची आपने इतने इतने अचीवमेंट्स किए हैं आपने विमेन्स क्रिकेट में, और आपका जो पैशन है, और आप इतने स्टूडेंट्स को कोच करके नेशनल लेवल तक उनको लेके आए हैं, और सेलेक्टर हैं सीनियर क्रिकेट टीम के, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, और इतना आप फिटनेस में इतना आपको विश्वास है, और जब आपको ये डिटेक्ट हुआ आप फिर भी आपने प्राणायाम को आपने इतना इम्पोर्टेंस दिया, और उसके वजह से पॉजिटिव माइंड रख के और हंसते हंसते आप जीत गई. तो सच में आप हमारे लिए आज तो आप ही सिकंदर हैं, और ये आपका जो ये मैसेज है, आई एम श्योर सब लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी आपके इस टॉक से. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऑल द बेस्ट आपके बुक के लिए. हम वेट करेंगे आपका बुक का, जब रिलीज होगा तो हम लोग वेट करेंगे और जरूर पढ़ेंगे, एंड हम सबको बोलेंगे आपके बुक के बारे में भी. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे मैम, एंड विशिंग यू अ वेरी हेल्दी लाइफ अहेड. थैंक यू मैम, आपने मुझे इतना बोलने के लिए, प्रमेय हेल्थ ने इतना अच्छा सपोर्ट भी किया है और ये मुझे बोलने का चांस दिया है, इसलिए मैं आपके प्रमेय हेल्थ के लिए उनसे शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच. हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू मैम. सो डियर व्यूअर्स, आई होप यू हैड अ लवली सेशन टुडे विद मिस चंदा रानी, एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हर. एंड डू कंटिन्यू टू बी विद अस एवरी मंथ, द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ. डोंट फर्गेट, इट्स द जॉय ऑफ लाइफ. सो होप टू सी यू सून नेक्स्ट मंथ. टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.